वेलकम फ्रेंड्स, एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ आपकी एक और नई उम्मीदों वाली क्लास, जिसे आप कहते हैं जीरो लेवल गणित। जी हाँ, जीरो लेवल का मतलब कक्षा एक से लेकर कक्षा आठ तक की NCERT पैटर्न पर आधारित मैथ की क्लास, जिसे आप देखते हैं प्रत्येक शाम 7:30 बजे से PVR स्टडी पर लाइव क्लास या फिर लाइव वीडियो के रूप में, जिसमें आपको गणित सिखाने की पूरी 100% गारंटी ली जाती है। और ये किसी स्वाभिमान और घमंड के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि आप लोगों के 1,00,000 अभ्यर्थियों के पूर्ण सेटिस्फेक्शन और सपोर्ट के साथ। जी हाँ, आज हम देखेंगे एंगल। एंगल मतलब कोण। अब आप सोचेंगे कोण होता क्या है, इसको हम आपको कुछ दिखाते हैं आकृतियों के माध्यम से, तो आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के लिए आपने घड़ी देखा होगा, घड़ी मीन्स वॉच। और हाँ, घड़ी और वॉच तो बाद में देखिएगा, पहले जो एंगल की स्पेलिंग होती है उसे गौर करिएगा, क्योंकि एक एंगल मीन्स देवदूत भी होता है। अगर आप ANGLE लिखोगे तो इसका मतलब कोण होता है, और अगर आप ANGEL लिखोगे एंजल, तो इसका मतलब देवदूत होता है। तो हेर फेर मत करिएगा इधर उधर, नहीं तो ये कोण की जगह देवदूत बन जाएंगे। हाँ देखिए, आपने घड़ी देखा होगा, 1 बजता है, 12 बजता है, 2 बजता है, 4 बजता है, ऐसे होता है ना। कभी सुई इधर रहती है ये, तो ये इधर रहती है। कभी आप देखते हैं ये सुई इधर एकदम सीधा रहती है, और ये सुई भी क्या होती है, एकदम सीधा हो जाती है जब 6 बजता है। जब कितना बजता है, 12:15 होता है, तो ये स्थिति आ जाती है ना। आपने देखा होगा जब 9 बजता है तो कैसे होता है, 9 बजता है जब, तो ऐसे हो जाता है। ये सब क्या है, ये सब एक एंगल है। अब परिभाषा पे आ जाओ, यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थित रखते हुए अपनी परिवर्तन, मतलब क्या करती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। जैसे हमने एक रेखा यहाँ पर बना दिया, एक रेखा है, ये अपने एक सिरे को स्थिर रख ले, इसको पकड़ लो यहीं पर, ये घूमने ना पाए, इसको हम आपको बहुत अच्छे से बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, हमने लिया ये, क्या ये लिया ना, इसको ऐसे घुमाया, ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक सिरे को स्थिर रखते हुए तो हमने क्या किया, इसका ये सिरा इसको स्थिर कर दिया, अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। मतलब ये सिरा तो कहीं नहीं जाएगा, ये बट ये सिरा पहले ऐसे था, ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो क्या होगा भाई, ये तो इसी पे है, इससे जो यहाँ हो जाएगा तो क्या होगा, 90 का कोण बनेगा ना। समझ में नहीं आया होगा अगर आपने अच्छे से नहीं समझा होगा तो कहने का मतलब ये यहाँ पर स्थित था, ये घूमा, तो ये घूम के कहाँ चला गया, यहाँ से ये यहाँ चला गया, और ये सीधा लाइन आ गई, तो ये क्या बन गया जो इसके बीच में आया, इसी को क्या कहते हैं, इसका जो परिक्रमण हुआ यहाँ से जो यहाँ तक गई है, इसके बीच का जो ये बना पार्ट, ये क्या बना, कोण, एंगल जिसे बोलते हैं। वैसे सिंपल में आप यहाँ कुल से समझ सकते हैं, ये कोण होता है, ये कोण होता है, अगर आप ऐसे खींच दिए भी कोण हुआ, किसी भी साइड को खींचेंगे कुछ ना कुछ कोण बनेगा। चांदा पटरी आपने देखा होगा, वहां से आप समझ सकते हैं। और फिर अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, हमने पूरी कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए कोण क्या होता है। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये देखिए 90° का कोण बन रहा होगा, है ना, ये सीधा सीधा है, 180 का कोण बनेगा, होता है कि नहीं। जरूरी नहीं कि अगर ऐसे है तभी 180 का कोण बनेगा, अगर ऐसे भी है तब भी 180 ही बनेगा, समझ गए। तो ये कई वजह होती है कोण बनने की, और तरीका हमने आपको बता दिया, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आगे देखिए इस पर आधारित कुछ और भी बातें जिन्हें आपको समझना चाहिए। आइए अब हम आपको पैमाने पर दिखा देते हैं अच्छी तरह से कि कोण को कैसे समझते हैं, कौन कितने डिग्री का कोण है। अगर कोई रेखा मूल बिंदु से यहाँ से ऐसे खींचते हैं, ठीक है, और दूसरी रेखा जस्ट इस पे लंब होती है, तो हमेशा 90° का कोण होता है, ठीक है। अगर वो रेखा हल्का ऐसे झुकी होगी तो कितने का एंगल बनेगा, 60° का बनेगा। अगर वो रेखा इतनी झुकी होगी लगभग, तो 30° का बनेगा। और हाँ, अगर वो रेखा 90 से 2 पॉइंट इधर होगी, यहाँ पे होगी, तो 100 का होगा, है ना। फिर ये 150 का होगा। अगर ये सीधा सीधा हो जाता है तो कितने का हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। और इधर साइड ये 210, ये 270, 270 मतलब समझिएगा, कहने का मतलब ये यहाँ से चलेगा यहाँ से, और ये
ये पूरा पार्ट और ये मिला के 270 होता है। कहने का मतलब 9 त्रिक 27 होता है ना, तो 90 ये हो जाता है इतना, और 90 इतना हो जाता है कितना, 90 और 90 ये इतना, इस रेखा से इस रेखा तक, तो 90 90 90 तीन बार जोड़ोगे 270 हो जाएगा। और ये भी एक 90 होता है, अगर आप चारों जोड़ लोगे ये तो कितना हो जाएगा 360। आपने सुना होगा 360 डिग्री घूमने वाला, 360 डिग्री घूमने वाला का मतलब क्या होता है, अक्सर कहीं कहीं सुनाई पड़ता है 360 डिग्री राउंडेबल, है ना। 360 डिग्री राउंडेबल का मतलब क्या होता है, ये देखिए कैमरा हमारे पास बहुत पुराना, इसमें लिखा है जब आप इसे परचेज करेंगे क्वांटम का है ये, बहुत लोकल घटिया क्वालिटी का एकदम, इसको लाइव के लिए लिया था बट किसी काम का नहीं निकला, ये पैसा डूब गया तो इसलिए मैं इसका प्रचार कर दे रहा हूँ। इसको आप 360 डिग्री घुमा सकते हो, कहने का मतलब ये इधर भी देखेगा इधर भी देखेगा, ये इसकी खोपड़ी इधर कर दो इधर भी देखेगा और इधर भी देखेगा और ये इधर भी देखेगा, मतलब किसी भी तरफ इसको आप घुमा सकते हो चारों तरफ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये 360 डिग्री राउंडेबल है, इसको आप चारों तरफ में किसी भी साइड को आप घुमा सकते हो, इधर से भी आप घुमा सकते हो चारों तरफ, तो 360 डिग्री का ये मतलब होता है। आगे चलें तो इसमें अब आप एंगल के बारे में सब कुछ लगभग यानी कोण के बारे में समझ गए होंगे, तो उम्मीद करते हैं, कमेंट अवश्य करिएगा, बताइएगा आपको ये क्लास कैसे लगा, आगे देखते रहिए कहीं मत जाइएगा। इसके बारे में और विस्तृत अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन इस क्लास में कुछ और भी बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक बहुत ही आसान और सस्ता और सार्वजनिक उपयोगी सामान है, क्या है, आलू, है ना, पोटैटो। इसको किस में तौलते हैं, किलो में, है ना। दूसरा अगर लें तो दूध, मिल्क, ये सभी बहुत ही बेसिक और घरेलू और उपयोगी वस्तुएं हैं। तो इनमें इनमें क्या अंतर है, इसको आप किस में नापते हो, केजी में, ये तो नहीं कहते ना 1 लीटर आलू दे दीजिए, है ना। और इसको किस में नापते हैं, लीटर में। कुछ लोग थोड़ा बेवकूफ टाइप के होते हैं जो बोलते हैं 1 लीटर दूध को 1 किलो बोलते हैं, तो लेकिन लीटर होता है ये सही तरीका होता है माप का, ठीक है। तो दूध को किस में नापते हैं, लीटर में, आलू को किस में, किलो में। उसी तरह से कोण की भी अपनी माप होती है, इसको नहीं नापते 1 किलो का कोण है या 1 लीटर का कोण है, किस में नापते हैं, डिग्री में नापते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अब जैसे आप आलू या दूध को किस में नापते हो, लीटर में, लीटर एक बर्तन होता है ना स्टैंडर्ड माप का। आलू को तौलते हैं किलो में, किलो अब तो इस समय सब डिजिटल हो रहा है, नहीं तो इतना बड़ा आपने देखा होगा किलो होता था, है ना। उसी तरह से जो अंश नापते हैं, कोण नापते हैं, इसके लिए एक चांदा आता है, प्रोट्रैक्टर, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर बोलते हैं। हमारे पास अभी है नहीं, तो आपको दिखा देते, जब आप ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह लेते हो उसमें रहता है आधा चंदा की तरह रहता है, चंद्रमा की तरह, है ना, जैसे हाफ चंद्रमा निकलता है, सभी लोगों ने देखा होगा। कमेंट करके बताइए, जो जो लोग देखे हुए हैं वो ए लिखकर कमेंट करेंगे, जल्दी से तुरंत कमेंट करके सभी लोग अवश्य बताइएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो ये आपने उम्मीद करते हैं कि बेसिक चीजें समझ लिया होगा, कोण होता क्या है, बनता कैसे है, नापते किस में है, और इसके बारे में बहुत कुछ होता है। फिलहाल एक क्लास में नहीं खत्म होने वाला है, आपकी ये क्लास लाइव भी नहीं चल रही आज, तो आप लोग के मन में बहुत सारा सवाल होगा, कमेंट भी काफी सारे आ रहे होंगे, है ना। इसमें हम बात कर रहे हैं, जैसे एक आकृति बनाते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें हम आपको बताते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ये कोण तो मान लो बनता है वो अलग बात है, जहां पर दो रेखाएं आपस में मिलती हैं काटती एक दूसरे को क्या बनता है, उस पर एक कोना भी बनता है, जिसे वर्टेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। और जैसे हमने ये बनाया, ये क्या है, ये कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग पहचानते होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध चीज है जिसे बोलते हैं रेक्टेंगल। तो ये क्या है, ये भुजा है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भुजा, और इंग्लिश में साइड बोलते हैं। इसमें भी एंगल बनता है, कितने का बनता है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा, किसी आयत में कितने अंश का कोण बनता है, चारों तरफ बराबर कोण बनता है, कुछ भी गड़बड़ नहीं, ना कम ना ज्यादा, 90 90 का बनता है ना। किसी भी चतुर्भुज में कितने का कोण बनता है, 90 अंश का, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है,
360 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको काम लगता है लेकिन आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो अगर चतुर्भुज आता है, ये चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, इसका कितना होता है 360। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक कोण ये 60-60 का होता है ना, जरूरी नहीं कि सब में 60 का ही होगा, लेकिन होता है, जो समबाहु समकोण त्रिभुज वो होता है ना, समकोण, सॉरी समकोण नहीं, क्या बोलते हैं इसे, जैसे समबाहु वगैरह में, हाँ समबाहु में होता है, और समकोण में तो एक कोण 90 का होता है। तो कुल मिलाकर के हमारा कहने का मतलब ये है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 और त्रिभुज का 380 होता है। ये याद रखिएगा, ये कोण से संबंधित था तो हमने बता दिया। आज की ये कोण की क्लास जो है यहीं पर खत्म होगी। इसके आगे हम बात करेंगे अगली क्लास में। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कोण के बारे में, मतलब कितने प्रकार का होता है, उसे कैसे समझते हैं। तो अगला भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवश्य देखिएगा। उसकी लिंक हो सकता है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए या फिर इन स्क्रीन में मिल जाए। लास्ट में जब क्लास खत्म होने लगे स्क्रीन पे आएगा सेकंड पार्ट, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। और अगर नहीं मिलता है तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करिए। अगर आपने क्लास को ज्वाइन किया है तो आपका अधिकार है, आप क्लास को मंगवा सकते हैं, फिर से आप देख सकते हैं बार बार, हजार बार, और सभी क्लास को देख सकते हैं। जीरो लेवल मैथ की लगभग इस समय 500 क्लास हो गई होंगी दोनों बैच में मिला करके, है ना। तो आप उन सभी क्लास को पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन जीरो लेवल मैथ लिख करके भेजना है, या फिर आप शॉर्ट में इसे JLM लिख कर भी भेज सकते हैं, JLM। और ज्वाइनिंग चार्ज आपको 500 का पे करना होगा, कोई चोरे छुपके नहीं, कोई छुपा के नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो केवल एक बार करना होगा, जिन लोगों को करना है वो लोग कर सकते हैं, वरना गाली मत दीजिएगा। जो भी क्लास यूट्यूब पे मिले बिल्कुल फ्री देखते रहिए, लुत्फ उठाते रहिए, जिस दिन ना मिले उस दिन आराम कर लीजिए। अगर आपको डेली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, वास्तव में सीखना है, तो हम 100% गारंटी लेते हैं, अगर आप ज्वाइन करते हैं और आप सीखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो बस इतनी सी थी बात, क्योंकि कुछ भी करने की एक चाहत होनी चाहिए। आपने सुना होगा, चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता। और आगे आप लोग बताइएगा लाइन को पूरा करके क्या होता है आगे, सभी लोग जानते होंगे, है ना। तो आप लोग जो बता दिया उसको समझ लीजिएगा। चलते चलते सभी लोग मार्क जुकरबर्ग की एक अपनी प्रॉपर्टी यूज करते होंगे फेसबुक, तो PVR स्टडी को फेसबुक पर अवश्य फॉलो कर लीजिएगा, सर्च करिएगा PVR स्टडी, वहां पर आप पेड क्लास को फ्री में देख पाओगे। जी बिल्कुल, 50% पेड क्लास फेसबुक पर फ्री में उपलब्ध है, तो आप लोग फॉलो अवश्य करिएगा। चलते हैं, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, ढेर सारा धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर फिर से पढ़ना है तो। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चाहे दोबारा आइएगा या नहीं, लेकिन लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो फिर से धन्यवाद।